मुफ्फट होने और बदतमीज होने में एक छोटा सा फर्क होता है सही, जो तुमने आज मिटा दिया है। जितना दिमाग तुम अपनी पढ़ाई में लगाती हो, उतना दिमाग अपने बोलने के तरीके में लगाया करो सही। जबान चलाने से पहले सामने देख तो लिया करो कि सामने वाला तुमसे उम्र में और रिश्ते में कितना बड़ा है। सही सही नहीं बड़ा। विराट, तुम्हें आते ही सही को डांटना शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे आने से पहले से ही इसके साथ क्या हो रहा है। आप जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि इसमें सही की गलती है भी या नहीं। मस्त मस्त, अभी मैं सोचूं आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या, जो अश्विनी अपनी लाडली बहू के लिए कुछ भी नहीं बोली। वैसे विराट, यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, तुम अपनी आई से अच्छी तरह से समझ लो और फिर डांटना अपनी बीवी को। हाँ, क्योंकि हम सब तो बेवकूफ है ना, बीए पास है, ये पत्र लिखा बेचारी तो एमए पास करके बैठी हुई है, लेकिन ये तेरी 12वीं पास आई हम सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार है। इसी से समझ लो यहाँ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हा? काकू प्लीज, क्योंकि ये बात ना तो आई को अच्छी लगेगी ना मुझे। मैंने तो बस अश्विनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, यही कहना चाहती है ना आप मैनी। और आपको क्या लगता है, ये सब सुन के मेरा बेटा चुप रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी आजकल विराट सास बहू के अलावा किसी और की सुनता ही कहाँ है। तुम्हारी ही तो इज्जत करता है, तुम अपनी बहू को कितने प्यार से रखती हो, उसके हर किए पर पर्दा डाल देती हो, उसकी हर गलती को देखकर भी अनदेखा कर देती हो। अब ऐसा हुनर किसी और में है क्या जो इस जंगली मुर्गी की गलती को देखकर भी अनदेखा कर सके? है किसी में हुनर? नहीं बाबा, हम में तो ये हुनर बिल्कुल नहीं है। हम तो वही करते हैं और वही कहते हैं जो आपने हमें सिखाया है। विराट, तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं मैं, तुम्हारी बीवी एक बदतमीज, बदमिजाज और गैर जिम्मेदार लड़की है। इसके साथ रह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। देखो देखो कैसे घूर रही है मुझे, जैसे कच्चा चबा जाएगी। सही, इस तरह से बाबा को घूरने का क्या मतलब है? क्यों कर रही हो ये सब? माफी मांगो बाबा से। सबसे माफी मांगो, कहो तुम अपनी इस हरकत से शर्मिंदा हो। विराट, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि सही तुम्हारी बात मानेगी? और मानना तो छोड़ो, ये तुम्हारी सुनती भी है? मैं जानती हूं विराट कि पति पत्नी के बीच में बोलने का मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं भी इस घर की एक सदस्य हूं और इस घर की सदस्य होने के नाते मेरा इतना हक तो पूछने का बनता ही है ना कि क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत करती है? रिश्तों की डोर इज्जत की गांठ से बंधी होती है विराट, और अगर एक दूसरे को इज्जत ना दो ना तो वो गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है और वक्त भी नहीं लगता रिश्ते टूटने में। देखा रिश्तों की कितनी समझ है पत्र लेखा को। विराट, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं ये सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे आई बाबा ने बचपन से मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है।
और हमारे घर में छोटों का बड़ों से ऐसे जुबान लड़ाना, बदतमीजी करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। और तुम ये मत समझ लेना कि मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सही से जलती हूँ या फिर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि इस घर की शांति बनी रहे। लेकिन सई ने जब से इस घर में कदम रखा है, यहाँ की शांति तो जैसे खो सी गई है। अब या तो इस घर का माहौल हमेशा ही ऐसा रहेगा या फिर तुम अपनी बीवी को सुधारने के लिए कोई कदम उठाओगे। देख लो, ये होता है ऊंचे खानदान से आने का फर्क। पत्रलेखा ने अपनी बात कितनी सीधे शब्दों में रख दी, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी से बदतमीजी की। सही, कुछ सीख लो पत्रलेखा से तुम। पाखी दीदी, जब मैं आपके मायके आई थी आपको चव्हाण निवास वापस लाने, तब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पलट कर जवाब कभी नहीं दूंगी। और आज उसी वादे के लिहाज से मैं चुपचाप खड़ी हूं। उसी वादे की वजह से मैं आपकी गलत और कड़वी बातें चुपचाप सुन रही। अगर मैंने आपको वो वादा नहीं किया होता तो मैं आपको ऐसा जवाब देती कि आपकी और आपके इस आदरणीय परिवार की आंखें शर्म से पानी पानी हो जाती, नजरें झुक जाती और सर भी। खैर, अभी आपने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन अब के बाद आपने अगर मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, तो ना ही मैं कोई हद याद रखूंगी और ना ही आपसे किया हुआ कोई वादा। तुम क्या वादे की आड़ में छुप रही हो सई? जो बोलना है खुलकर बोलो। आज तो मैं भी देखना चाहती हूँ तुम किस हद तक जा सकती हो, सॉरी किस हद तक गिर सकती हो। आप बाकी दीदी बस चुप हो जाओ दोनों, क्या हो रहा है यहां पर? सही, तुमने बड़ों से बदतमीजी की है, माफी मांगो सबसे और ये मामला यहीं कहीं खत्म करो, समझ लो? नहीं, नहीं समझ लो। हमेशा मैं ही क्यों समझूं? और मैंने क्या गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। और हमेशा सब मुझे घेर के ताने क्यों मारते रहते हैं? घर का काम नहीं करते तो बड़े भी तो घर का काम नहीं करते। और अगर मैं वहां चुपचाप टहल भी रही थी तो मैं बेवकूफ तो हूं नहीं कि फालतू में टहल रही होंगी। लेकिन नहीं, इन सब की नजरों में तो मैं पागल हूं ना। मुझे अजीब और गरीब सवाल पूछेंगे, मुझे ताने सुनाएंगे और खुद चाहेंगे कि मैं उनसे प्यार से बात करूं, इज्जत से बात करूं। मुझे जिस जबान में सवाल पूछा जाएगा मैं उसी जबान में जवाब भी दूंगी। कमल सर ने तुम्हें कभी सिखाया नहीं है बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? आप मेरे आबा को बीच में ना लाएं, वही आपके लिए अच्छा होगा। और अब होते कौन है ये पूछने वाले कि मेरे आबा ने मुझे क्या सिखाया क्या नहीं? मैं कौन हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सही, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि तुम किस तरह से बात कर रही हो। और सच्चाई यही है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, और किसी बदतमीज को बदतमीज बुलाना कोई गलत बात नहीं है। विराट बेटा शांत, बुड़ू आज तक तुमने सही का साथ दिया है, आज तक सारे परिवार के सामने तुमने सही को बढ़ावा दिया है, उसकी इज्जत की है, उसका सम्मान किया है, फिर आज अचानक तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि सही बदतमीज है? आई, आपने देखा नहीं किस तरह से बात कर रही है सबसे? तुम नहीं देख पा रहे हो विराट, तुम नहीं देख पा रहे हो कि सई के साथ क्या हो रहा है, तुम देख ही नहीं सकते। सई के आबा के साथ
इतना बड़ा हादसा हुआ। सही, अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के, शादी करके तुम्हारे साथ इस घर में रहने आई है। तो अगर इस घर में वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, क्या गलत कर रही है बताओ तो? कुछ गलत कर रही है वो? नहीं। तो फिर क्यों, क्यों घर के सारे बड़े और कुछ और लोग भी सवालों की तलवार लिए सही के पीछे ही पड़े हुए हैं? क्यों? बस भी करो अश्विनी, इस तुम्हारी प्यारी बहू के प्यार की पट्टी बंधी है तुम्हारी आंखों पर, वरना तुम्हें भी नजर आता कि गलत बात पर गलत लड़की का साथ देने की गलती कर रही हो तुम। आई, बाबा आज ठीक कह रहे हैं। आप मुझे कह रही है ना कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा? आई, आपको नहीं दिखाई दे रहा सही बड़ों से किस तरह से बात कर रही है, किस तरह से उसका बर्ताव है? आई, क्या आप सही का साथ इसीलिए दे रही है क्योंकि वो बाबा और काकू से बदतमीजी करती है? आई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मेरी आई से मुझे कैसे बात करनी है? तुम नहीं सिखाओगी मुझे सही? बिल्कुल सही कहा तुमने विराट। और तुम तो कुछ बोलो ही मत, समझ गई ना? तुमने जो भी किया है वो सब सही किया है क्या? देख रहे हो ना विराट, इतना सब कुछ हो गया लेकिन इस लड़की के मुंह से एक सॉरी नहीं निकला और बोलूंगी भी नहीं। गलत किया नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? ए जंगली मुर्गी, खुद को क्या इतना बड़ा समझती है कि सॉरी बोलेगी तो तेरा कद छोटा हो जाएगा? विराट कब से तुझे सॉरी बोलने को कह रहा है? क्योंकि तुमने हम लोगों की बेइज्जती की है। लेकिन तू है कि टस से मसी नहीं हो रही? चुपचाप सॉरी बोल और निकल यहां से। सॉरी तो आप लोगों को मुझे बोलना चाहिए। लेकिन आप लोग इतनी सी राई जैसी बात का पहाड़ बना दिया, तो खुद ही चढ़ी उस पहाड़ पर। वीरू, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कल रात को तूने इसको ऊपर कम सुनाया था क्या? अब भी लगता है कि तू और सारा परिवार इस बेचारी को घेर कर ही खड़ा है। वाह, ए शिवानी गप्पा बस तू। ना तो इस घर की फिक्र है ना घर वालों की, तुम्हारे लिए तो सगी है सिर्फ ये है ना? हो ना, और होगी भी ना, इसी ने तो साथ दिया है शिवानी का मैरिड शादीशुदा विवाहित आदमी से चक्कर चलाने में। जवान खानदान की इज्जत डुबा के तो उसकी हिमायत करने आई है। चुपचाप जा अपने कमरे में। काका, अरे शिवानी बुआ, आपको तो ओमी काका मेरे जैसे ही डांट रहे हैं। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। अच्छा एक बात बताओ, आपके पति को भी मेरी आई ने भगा दिया क्या? देवयानी, ये क्या बकवास करती रहती है तू मेरे बारे में? हाँ, मैंने कहाँ बोला है कुछ? आई, आप कुछ बोलने नहीं देते हो? बोलो बोलो बोलो। सोनाली, हाँ, देवयानी को इसके रूम में लेके जाओ। हो देवी, काका, देवी काका, सही 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 सही, तू कॉलेज जाती है ना डॉक्टर बनने? होता ही, तो मुझे भी कॉलेज ले जाएगी? बिल्कुल, आप ठीक हो जाओगे ना तो हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे। तुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी? आप 100% ठीक हो जाओगे ताई। सच्ची? बिल्कुल। सही को लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी? सही कह रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी।
होगी। देखा भाई, आप तो बोलते थे कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, और सही तो डॉक्टर बनने वाली है और सही कह रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मतलब सही अच्छी आई गंदी, सही अच्छी आई गंदी, सही अच्छी। देवयानी, सही को बोलने के अलावा आता ही क्या है? और तुझे अपने कमरे में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ताई ताई ताई, आप मेरी दोस्त हो ना? हो ना मेरी दोस्त? हो तो फिर प्लीज अभी अपने कमरे में चले जाओ। मैं कॉलेज से वापस आऊंगी ना, तो आपसे खूब सारी बातें करूंगी, आपको कॉलेज की बातें बताऊंगी। क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ ना, इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है? पर तू अपने कॉलेज की सब बातें मुझे बताएगी ना? सारी बातें बताओ, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है बाय। सही, मैं ना सिर्फ तुझे बाय बोल रही हूँ और किसी को भी बाय नहीं बोल रही हूँ। हाँ तुम्हें मत बोलना, ठीक है ना? ओके। ग्रहण, ग्रहण है इस घर की बेटियां, एक मेरी बेटी जो दिमाग से बीमार है, और ये दूसरी जो एक शादीशुदा मर्द के प्रेम में पागल है। बहनी, शिवानी जैसी अगर मेरी बेटी होती ना, तो मैं उसे घर से बाहर निकाल देता। हाँ, एकदम बराबर बोला आपने। अभी 5 मिनट पहले अब सही को इज्जत सम्मान का पाठ पढ़ा रहे थे, और अभी खुद की सगी बहन की बेइज्जती कर रहे। रहने दीजिए आई, इस घर के बड़ों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है, उन बड़ी बातों पर अमल करना नहीं आता। छोटों की हर छोटी सी छोटी गलती भी देखते हैं, लेकिन अपनी खामियों पर आंखें बंद कर लेते हैं। शिवानी बुआ, आपको अपने कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं रहेंगे। जिसको जो बोलना है बोल सकता है। ए सही, कुछ भी बोले जा रही है मेरे पति को, समझ में नहीं आता तुझे? इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट कुछ आता नहीं है क्या? हाँ वही तो आई। सही भाभी, आप मेरे बाबा की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही सोच लेती कि हम चव्हाण खानदान की बहुएं हैं। इस तरह जुबान चलाना शोभा देता है क्या? अति बरोबर बोलिस करिश्मा, अब तेरी उल्टी सीधी बातें अगर हो गई हो तो चुपचाप सबसे क्षमा माफी सॉरी बोलकर किस्सा खत्म कर दे प्लीज। हाँ वैसे भी घर के बाहर काफी बेइज्जती हो चुकी है हमारे परिवार की। मतलब आई वो शिवानी बुआ के सामने कैसे बोल सकती हूँ? करिश्मा, जो भी बोलना है शिवानी के सामने ही बोलना, ताकि उसे भी पता चले काका साहेब नागेश चव्हाण के परिवार पर क्या कीचड़ उछाला जा रहा है। काकू, वो कल रात मैं तो मोहित के साथ वॉक करने गई थी, तो पड़ोस की एक बुड्ढी आंटी ने मुझे रोक के पूछा कि करिश्मा तुम्हारे घर से ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी, और वो कुछ औरतें शिवानी का नाम ले लेकर क्यों चिल्ला रही थी। हाय, कहीं शिवानी ने फिर से अपनी तीसरी शादी के चक्कर में कोई नया कांड तो नहीं कर दिया ना? देवा रे देवा, यही सुनना बाकी था ना? अब कौन सा मुंह लेकर मैं गली मोहल्ले में जाऊंगी? करिश्मा
तो मुझे बता दे किसकी हिम्मत हुई ये सब बोलने की। मुझे बस नाम बता दे, मैं अभी जाती हूँ उसके घर पे। बताओ कौन थी वो? वो मैं नहीं बता सकती। सुन लिया लड़की, अभी कुछ बोलना बाकी है? नहीं, शिवानी को तो बेगुनाह बेदाग बता रही थी ना, देखा ना इसकी हरकत ने जवान खानदान की इज्जत पर कितना बड़ा धब्बा लगा दिया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।